स्टार पावर रे किछि दिन चलिबो बट स्टोरी रे जदि दम थिबो कहानी रे जदि दम थिबो ताहाले ताठु बहुत आगे जिवो एग्जैक्टली सर नमस्कार हमको आपन को हम चैनल रे स्वागत नमस्कार धन्यवाद आसीबा पई कि आज तो फर्स्ट डे डे वन रेस्पन्स तो एवं जाएँ बहुत भल रही बिकज सका महाराजा जाइली महाराजा बहुत सुंदर रेस्पन्स आसला एवं स्वाति अच्छा एंड स्वाति भी बहुत भल रेस्पन्स ये आम सब इंडस्ट्री सब सांगसाथी लोक जे सब आ बहुत डिग्निटरीज मैंने बहुत इंपोर्टेंट लोक मैंने आई तो बहुत भल लगुच रेस्पन्स एवं जाएँ जहाँ पाई एंड अल्टिमेटली जनता पब्लिक पब्लिक हाथ में सबकि पब्लिक रेस्पन्स मुझे जहाँ महाराजा गेस कली एंड जहाँ जानकू पाइल लोक मैंने बहुत इमोशनाल है बहुत भल लगे कहानी टी एंड आम आशा कर आगुक भी एमती रहू एंड ओडिया सिनेमा आम मातृभाषा आम कथा आम भाषा आम कहानी नहीं कि आम गोटे अटेम्प्ट नहींचुटा बड़ स्क्रीन बड़ पर्दार लोक निज स्टोरीटा देखापी कि प्रत्येक लोक यहाँ सहित बहुत रिलेट करपरेंगे एंड बाकी जोटी जोटी आपखे पड़ू सिनेमाटी जो भी जगार से आसतु थिएटर्स आसतु सांगसाथी धरिकी आसत सब इम्पोर्टेंट घर लोक नहीं आसतु बापा को नहीं आसतु माँ को नहीं आसतु यहाँ गोटे कम्प्लीट फैमिली ड्रामा बापा माँ का सहित मिसी देखा भाया सिनेमा खंडे तो से नहीं आसतु आपन को भी बहुत भल लगे आमको भी बहुत भल लगे सर ट्रेलर रे हमें गोटे देखी थी गोटे लांगुएज टी ये थला तो फैमिली को नहीं आसिक देखिले ये सिनेमाटा से लगे किसी से प्रॉब्लम ना फैमिली को नहीं आसतु पूरा सिनेमाटा आमर एटा यू सेंसर है दैट मीनस कि एटा फैमिली पाई कि पूरा सुइटेबल किसी आपन को कौ रकम से प्रॉब्लम हम अनुपम सर सहित आप कम करोरी रईटर लगे अनुपम आउ मु आमर आम एकाठी बहुत सारा काम कर सारी आम वेब सीरीज गुड़ाक काम करनिक शर्ट्स जॉन्स कैफे वेलकम टू द फैमिली एम बहुत सारा सीरीज रे आम ऑलरेडी काम कर सारी एंड अनुपम सहित काम करा गोटे बहुत भल एक्सपीरियंस था बिकज अनुपम गोटे बहुत फ्लेक्सिबल डायरेक्टर तो सी बहुत स्पेस दिखती बहुत स्कोप दिखती कहानी केमती लिखा हे कौन न कराव से ही हिसाब से आम स्क्रिप्टिंग ही मिसिक बहुत एकाठी ही कम करूँ सेम जिन प्रतीक्षा सहित भी होता कम्प्लीट डेडिकेशन सहित आउ जमी कि एपट सेपट न हो एंड कहानीटा ठीक से बाहर को सामना को आसू तो अनुपम सहित कम करा गोटे बहुत यूनिक एक्सपीरियंस एंड बहुत सुंदर एक्सपीरियंस बिकज अनुपम इज ए न्यू एज फिल्म मेकर बहुत एक्सपोजर अच्छी पाखे बहुत रकम सिनेमा से देखी तो तेणुक से सब एक्सपीरियंस आउ जेहेतु फैमिली ही इज द सन ऑफ लेट अमीय पटनायक जिकि निजे गोटे लेजेंड थे एंड सिनेमा तो ओडिया फिल्म इंडस्ट्री माइलस्टोन सब माइलखुंड सब बनई एंड इट रन्स इन द फैमिली तो फिल्म मेकिंग केमी हुए कौन हुए एंड तार कौन कौन आस्पेक्ट्स अच्छी केमी से ठीक से करहब तो अनुपम पटनायक इज अ ग्रेट डायरेक्टर एंड अ वेरी करेजियस डायरेक्टर मुझे सब बड़े कहे बहुत साहसी बहादुर लोक खंडे कहीं गोटे पॉइंट जो बिना सुपरस्टार रे लोक कहते कि आम सिनेमा हो पारे से ही पॉइंट अनुपम सब न्यू कमर्स मान को चान्स दिखती एंड बस दैट्स इट बिल्कुल निहाती भावे मिछ साबित तो लोक मान हाथ में लोक मैंने जदि आसवे देन सबू प्रकार मिछ सत सब दूध का दूध पानी का पानी हो कहानी बहुत इम्पोर्टेंट जोटा आम लास्ट गोटे आउ गोटे भी सिनेमारे देखा जान पाइलु कि कहानी बहुत इम्पोर्टेंट स्टार पावर टू भी बेस इम्पोर्टेंट है कहानी तो जदि कहानी लोक मन को छुई देन किसी अटकई पार ना फाइनाली कंटेंट इज द किंग एबे नेशनल लेवल को जाउचे जेमेती आमे साउथ फिल्म सब आसी देखुतलो नॉर्थ रे से घाटी के जाउथले कि आमे ओडिसा रे 10-10 कोटी टका कॉमेडी से जाउथले तो आमे देखुतलो आमे देखी केवल दांत कामडी अच्छा था किछि करि परु नथु एबे वर्तमान ओडिया सिनेमा नेशनल लेवल को जाउचे तो दमन हिंदी रे रिलीज हो जाउचे प्रत्यक्ष हिंदी रो रीमेक हो जाउचे ऑफिशियली तो ता ऊपर आपन के लागो जे केते खुशी लागो जे जेतु आपन इंडस्ट्री रे गोटे बहुत खुशी लगुच एंड बहुत गर्वर कथा कि आम फाइनाली नेशनल स्टेज रे निजी ठिया कर पार्छ एंड जो आम आप कहे साउथ इंडियन सिनेमा एवं जो उन्टी मारूला आम भी सही पाखापाखी एवं आम पहुँची गलु एंड एटा बहुत गर्वर कथा खाली आमपाई बोली नुह जेहेतु आम सिनेमा बनईचु एटा कम्प्लीट ओडिशा संपूर्ण ओडियावासी मानी बहुत गर्वर कथा कि सिनेमाटर भाषा एवं चारिड़े चर्चा अच्छी एंड यटा को नहीं कि मोर बाहर भी जो मैंने सब सांग अच्छा यूएसए रे मोर किसी सांग अच्छा यूके किसी सांग अच्छा से माने भी बहुत खुशी एंड से माने भी निजे सर्कल्स गुड़ाक बहुत प्रमोट कर बहुत खुशी अच्छा कि देख आम देशर सिनेमा आम स्टेट सिनेमा आम भाषा आम मदर टंग सिनेमा आसिक पहुँच सारे गोटे सिनेमा स्टार
ସେଇଟା ତ ଅଲଟିମେଟଲି ଅଡିଏନ୍ସ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ତେନ୍ଦୁଲକର ବି ଯଦି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, ସେ କହିଥିଲେ କି ଯିଏ ବି ହଉ ଦ୍ରାବିଡ଼ ହଉ କି ଯିଏ ବି ହଉ ଷ୍ଟାର ପାୱାର ଅର୍ ଅରାଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ 10 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ପରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବୁସାନ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେ 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ, ତାପରେ ଯଦି ଆଗକୁ ଫିଲ୍ମଟା ନବ ତ ଷ୍ଟୋରି ରହିବ ନିହାତି। କନକ୍ଲେଭରେ ବାବୁସାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇଟା କହିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିବା କଥା। ବାବୁସାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଇଟା, ସେଥିରେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଥିଲେ କି କ'ଣ କେମିତି ସିନେମା ବନେଇବା କଥା ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ସେଇ କଥାଟା ହିଁ କହିଥିଲେ କି ଷ୍ଟାର ପାୱାରରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ ବଟ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ଯଦି ଦମ୍ ଥିବ, କାହାଣୀରେ ଯଦି ଦମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ତାଠୁ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଡିଏନ୍ସକୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମାଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ତେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ସପ୍ତାହେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାଟା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ, ତ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ। ବାହାରେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ ଆମକୁ, ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଆମେ ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହଉ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁଠି। ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥିଏଟର୍ସକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ରାଉରକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଥିଏଟର୍ସକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଥିଏଟର୍ରେ ଆସିକି ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସିନେମାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ବାପା ପୁଅର କାହାଣୀ ଖଣ୍ଡେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟା ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହୋଇଯିବ ନିହାତି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆସ୍ୟୋର୍ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।